दोस्तों भाई हम बात करेंगे स्पार्क के स्टॉक के बारे में। स्पार्क के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने मिल सकते हैं उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। हम यहाँ पर स्टॉक के ट्रेंड की बात करें तो देखेंगे जो स्टॉक है हमको जून से ही यहाँ पर लगातार अप ट्रेंड में देखने मिल रहा है। हमको यहाँ पर स्टॉक में लगातार हायर हाई हायर लो वाले पैटर्न यहाँ पर देखने मिल रहा है। अभी पिछले कुछ दिनों से हमको यहाँ पर स्टॉक में गिरावट यहाँ पर देखने मिल रही है। आज हमको यहाँ पर स्टॉक में अगेन यहाँ पर 1.58% की यहाँ पर तेजी देखने मिली। यहाँ से हम स्टॉक में बात करें यहाँ से अब अगर स्टॉक में और तेज़ी कंटिन्यू रहती है तो यहाँ से बहुत तेज़ी की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 200 का जो लेवल है ये यहाँ से स्टॉक में ऐसा नेक्स्ट यहाँ पर रेजिस्टेंस काम करेगा। अगर स्टॉक इसका ब्रेक करता है देन हम यहाँ पर स्टॉक में 236 इसके बाद हम यहाँ पर स्टॉक में 248 और अगर स्टॉक इसको यहाँ ब्रेक करेगा तो इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में अगेन यहाँ से बड़ी तेज़ी यहाँ पर देखने मिल सकती है। अगर स्टॉक यहाँ पर इसको ब्रेक करेगा तो हमको यहाँ पर स्टॉक में 265 इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 280 इसके बाद हमको स्टॉक में अगेन 300 तक के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ऐसे नेक्स्ट यहाँ पर रजिस्टेंस में यहाँ से अब अगर स्टॉक में गिरावट आती है तो भाई यहाँ से अब गिरावट की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 223 का पहले यहाँ पर सपोर्ट देखने मिल जाएगा। अगर स्टॉक इसको ब्रेक करेगा देन हमको स्टॉक में 218 और अगर स्टॉक यहाँ पर 218 का लेवल इसको ब्रेक करेगा तो भाई इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने मिल सकती है। इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 206 और इसके बाद हमको स्टॉक में अगेन 194 तक के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे ऐसे नेक्स्ट यहाँ पर सपोर्ट। तो स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल हैं आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाय सेल होल्डिंग की सलाह नहीं है। वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। धन्यवाद।